गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वॉज और वर का यूज़ कर लेते हैं। ये ठीक है, जो हमारा जो कोर्स चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसमें वॉज और वर का यूज़ कर लेते हैं। इज एम आर का मैं करवा चुका हूँ, इज एम आर का हमने कर लिया है, ठीक है। और आपको पता है कि इज एम आर किस में यूज़ होते हैं? प्रजेंट में। और वॉज वर कहाँ होते हैं? पास्ट में, ठीक है। तो हम वॉज वर का शुरू करें। अच्छे देखो, वॉज और वर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वॉज का लगेगा, वॉज लगेगा आपका आई के साथ। अच्छा, जितने ये आते, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और वर का लगेगा, वर लगेगा आपका यू के साथ, ठीक है। और वी के साथ, वी मतलब हम, ओके। ये तो आपको पता है कि जो जो ये वाला कोर्स कर रहा है उसे तो पता ही है इतना। और दे के साथ, किसके साथ? वर का लगेगा, ठीक है। किसके साथ? अभी बताए, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ? एक से ज़्यादा, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, कंट्रीज, जो भी है बहुवचन में जो भी होगा, वॉज वर, ठीक है। अच्छा, अब हम जो हम बनाते कैसे हैं भाई? आपका जो है ना, जैसे मैंने, आपने जैसे इज एम आर का यूज़ करते हैं इसी वॉज वर का, आपने कहा कि मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, ठीक है। तो अगर निगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड। अच्छा, ये जो है ना, ये आप इसको दोनों को आप इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो वॉज नॉट को तो क्या पड़ा? वॉजंट, वॉजंट, ये एन लगा करके ये एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दिया, आई वॉजंट टायर्ड। कैसे बोलो? आई वॉजंट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था, ऐसी ही के साथ ही, वॉजंट टायर्ड, वो थका हुआ नहीं था, ठीक है ना, वो थका हुआ नहीं था, ओके। ऐसे ही तुम्हारा ही की जगह शी भी आ सकता है, मौन वगैरह हो, कोई नाम वगैरह हो, उसके साथ भी वॉज ही लगेगा। आ बॉय, द बॉय, कोई भी अकेला जो होगा उसके साथ आपने वॉज ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो वॉज वर शुरू में रख दो। वॉज वर आप क्या रखेंगे? आप वॉज वर कहाँ रख देंगे? सेंटेंस के शुरू में, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, देखो ना, सब्जेक्ट से पहले आपने रख देना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले। जैसे क्या आप थके हुए थे, तो हम कहेंगे क्या आप थके हुए थे, तो यू के हिसाब से क्या, यू के लिए तो आप लग गया, वर यहाँ लगा दिया, वर यू टायर्ड, वर यू टायर्ड। अब ये बताओ, वर यू टायर्ड, वर का लग रहा है यू से भी पहले, वर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए थे, वर यू एंग्री, वर यू एंग्री, क्या आप गुस्सा थे, क्या आप क्रोधित थे, क्या आप, ठीक है। और वर यू, ठीक है ना, तो आपने जो है ऐसी वॉज लग जाएगा शुरू में, जैसे अगर हो गया वॉज, वॉज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ था, ठीक है, तो वॉज वर शुरू में लग जाए, वॉज शी इल, क्या वो बीमार थी, ठीक है, वॉज द बॉय, वॉज द बॉय यू कैन से एंग्री, क्या लड़का गुस्सा था, ओके, वॉज पहले लग गया। और डब्ल्यू एच फैमिली जो होगी, डब्ल्यू एच फैमिली को तुम कहोगे डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वॉट, वाई, वेयर, ठीक है ना, वैन, कुछ भी, ओके, वो कहाँ लगेंगे? वो वॉज वर्ड से भी पहले लगेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली, वो वॉज वर्ड से भी, वॉज वर्ड, वॉज जो वर्ड होंगे ना, उससे भी पहले लग जाएंगे, आप यहाँ पहले रख देना उसे, वॉय वगैरह जो भी, वाई वगैरह, वैन वगैरह, वो पहले ही लग जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद वॉज वर आएगा। जैसे के, जैसे आप के भाई तुम क्रोधित क्यों थे, तुम गुस्सा क्यों थे, तो हम कहेंगे भाई यू आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर वाई बनाते चला करो नेचुरल वे, वाई वर यू एंग्री, वाई वर यू एंग्री, आप क्रोधित क्यों थे, आप देख रहे हो वाई का लग रहा है वर से भी पहले, वाई वर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों थे, वैन वॉज ही हियर, वो यहाँ पर कब था, वो यहाँ पर कब था, वो यहाँ पर कब था, मतलब कि वैन वॉज ही हियर,
तो देखो वैन कहाँ लग रहा है, वॉश से भी पहले आ गया, वॉश से भी पहले आ गया, ठीक है ना। ओके वेयर वर यू, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे। तो वेयर कहाँ आ गया, वर से भी, ठीक है ना, वर से भी पहले, ये मैंने गड़बड़ कर दी इसमें, ये वर, ठीक है ना। वेयर वर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, ठीक है। ओके वेयर वॉज योर ब्रदर, वेयर वॉज योर ब्रदर, आपका भैया कहाँ था, आपका भैया कहाँ था या कहाँ थे। तो वेयर कहाँ लग गया, वॉज से भी पहले लग गया, और सब्जेक्ट तो ये आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप वॉट, ठीक है ना, वॉट मतलब आप वॉट के साथ क्या, वॉट वॉज ही, वॉट वॉज ही मतलब उसका काम क्या था, वॉट वॉज ही, वट वॉज ही वो क्या था, वो डॉक्टर था, इंजीनियर था। वाई वॉज शी टायर्ड, यानी कि वाई वॉज शी एंग्री, वो गुस्सा क्यों थी। और ये एक्चुअली क्या ना, ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, जैसे एंग्री, तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने आ जाए तो आपको कुछ एक वर्ड्स याद रखने हैं, फिर आपको बनाने आ जाते हैं। तो वॉज वर्ब में बस यही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब जो है इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉज वर्ब की जो है ना, पहले इज एम आर की एक्सरसाइज करेंगे, फिर वॉज वर्क की। ये आपका स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, आप इसमें से देखते रहना, ओके। और ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। और बाकी का जस्ट टेल योर फ्रेंड्स दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस चैनल, एंड आई वुड लाइक यू टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट, इफ यू थिंक दैट द वीडियोज यू कैन मेड बाय मी आर हेल्पफुल फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।